जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, लाडो और लाडलियो, स्वागत आप सबका आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी पर। दोस्तों, आप सबकी बहुत ज्यादा डिमांड थी एज रिलेशन को लेकर, और मैं इस पे वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मैं वेट कर रहा था RTI का, क्योंकि जैसे ही वैकेंसी आई है 26,146 पोस्ट की, तो काफी बच्चे हैं जिनकी ओवर एज हो गई थी और वो अनुमान लगा रहे थे इस बार एज में छूट मिलेगा। मैं भी बोल रहा था कि अगर पोस्ट और वैकेंसी 80,000 आई, जैसे न्यूज पेपर में चल रहा था 84,000 पोस्ट का, अगर आई तो एज में पक्का छूट मिलेगा। लेकिन हुआ ये कि इस बार 24 नवंबर से काउंट नहीं करके 1-1-2024 से काउंट कर दिया। इससे भी कई बच्चे जो अगले दिसंबर महीने में जिनका जन्म डेट आती है वो भी इस बार बाहर हो गए कॉम्पिटिशन से डायरेक्ट ही अपनी एज के कारण। तो हमको एज रिलेशन के लिए ट्विटर कैंपेन करना चाहिए क्योंकि काफी बच्चे चाहते हैं, तो मैं करने के लिए तैयार हूं। और मैं ये सोच रहा हूं कि 5 तारीख तक अपन इसके बारे में थोड़ा सा विचार कर सकते हैं। ठीक है, हम एक हैशटैग आपको दे देंगे कहां से किस प्रकार से ट्वीट करना, फिर आप अगर उसको ट्रेंडिंग में लाना चाहते हैं तो कम से कम अपने को 40-50 हज़ार उस पर ट्वीट चाहिए, तभी जाके सरकार की नजर में वो चीज जा सकती है, अन्यथा नहीं। अगर आप ऐसी हिम्मत रखते हो इतने कि हाँ सर हम कर देंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, तो फिर मैं आपके लिए सारी चीजें व्यवस्थित कर दूंगा कि किस प्रकार से हमको क्या क्या करना है। लेकिन अगर आप इतना नहीं कर सकते, अगर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके ये चीज प्रूव कर देते हो कि सर हम करने को तैयार है, तो मैं करने के लिए तैयार हूं। ऐसा नहीं हो कि मैं ट्विटर कैंपेन चलाऊं और आप में से 200 लोग भी ट्वीट ना करें, फिर फायदा नहीं। अगर आप ऐसा बोलोगे तो हम और भी जितने यूट्यूबर है उस पूरी कम्युनिटी को भी जोड़ने के लिए तैयार रहेंगे, और सबसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि हम एज रिलेशन को लेकर थोड़ा बहुत सब कुछ बोले, और 5 तारीख की जो डेट फिक्स करेंगे, जो ट्वीट फिक्स करेंगे, उस पर ज्यादा से ज्यादा रिट्वीट करवाएंगे उसको ट्रेंडिंग में लाने के लिए। ठीक है लाडलो, कमेंट बॉक्स में आप ये चीज बताना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जो RTI का रिप्लाई आया था, क्योंकि मैंने RTI डाली थी 11 तारीख को एज रिलेशन को लेकर जब ये वैकेंसी नहीं आई थी। साथ ही अगर आप SHGD की तैयारी कर रहे हैं, आप एज क्राइटेरिया के अंदर आते हैं, तो ये बुक्स आप ले सकते हैं। अमेजन पे बहुत अच्छी डील है इनके साथ में, बुक्स के साथ में काफी अच्छा ऑफर है, आप ये ले सकते हैं SHGD के लिए। 1 तारीख से नहीं, 1 दिसंबर से हमारा निर्धन बैच शुरू हो रहा है, जो कि मात्र 99 रुपए में SHGD का पूरा लाइव बैच हमारी अकेडमी के क्लासरूम से होगा। इसके लिए आपका कोई चार्ज नहीं है, मात्र 99 रुपए का चार्ज लिया जाएगा, पूरा लाइव बैच है और 0 से शुरू होगा। कमांडो अकेडमी से जुड़ जाइए, साथ ही जो बच्चे एज रिलेशन से जुड़ना चाहते हैं वो कमांडो अकेडमी टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए, तक क्या कि जो बाकी की जानकारी दी जाएगी वही दी जाएगी। आप टेलीग्राम पे जाइए, कमांडो अकेडमी सर्च करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस पर जोड़िए, ताकि हम एक साथ बहुल्य मत प्राप्त कर सके और काफी कुछ हम कर सके। समझ गए लाडू? देखो, जो RTI डाली थी ना, ये डाली थी मैंने 9 तारीख को। समझ गए बात? जो RTI डाली थी, ये डाली थी मैंने 9 तारीख को, ये RTI डाली थी मेरे नाम से डाली हुई, विराट चौधरी के नाम से, 9/11 को। इसका जो रिप्लाई आया ना, वो रिप्लाई यहां पर उसी का मैंने हिंदी अनुवाद यहां करके दिया। अब आप में से कईयों को मेल में आता, सर ने हिंदी अनुवाद क्यों किया? मैंने इसलिए लगाया कि मेरे इंग्लिश ज्यादा आती नहीं है, और मुझे पता आप में से भी कईयों को नहीं आती, इसीलिए मैंने हिंदी में ही जो इसका जो रिप्लाई है ये मैं वैसे कमांडो अकेडमी का जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर दे दूंगा ओरिजिनल, तो आप वहां जाके भी देख लेना, और उसी का हिंदी अर्थ यहां लगवा दिया। वैसे मेरे को पढ़ना आता है, मैं पढ़ सकता हूं, अगर आप में से कोई समझ सकता है तो समझ लेना भाई। लिखा हुआ है, देयर इज ए नो प्रपोजल फॉर द रिविजन इन द एक्सटेंड गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर एज रिलेशन इन एनी रिक्रूटमेंट टू वेरियस पोस्ट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। इंस्ट्रक्शन हैव बीन इशूड फ्रॉम टू टाइम रिगार्डिंग रिलेक्शन इन एज लिमिट अलाउड टू वेरियस कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट। हिंदी अर्थ इसका है कि केंद्र सरकार के तहत विभिन्न पदों पर भर्तियों में आयु में छूट के लिए मौजूदा सरकार नीति में संशोधन कोई प्रस्ताव नहीं है, यानी कोई भी संशोधन नहीं किया गया है एज में छूट देने के लिए। SHGD के बारे में ये, विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट के संबंध में समय समय पर निर्देश जारी किए गए हैं, यानी जब भी हमने छूट दिए उस समय हमने निर्देश जारी किए, अगर हमने कोई निर्देश जारी नहीं किया इसका मतलब हमने एज में छूट नहीं दिए और ना ही ऐसा कोई संशोधन किया गया है, यानी कुल मिला के एज में रिलेशन का कोई संशोधन इस बार नहीं है, ना ही अपने को ऐसा कोई निर्देश मिला है, तो इसका मतलब क्या है कि एज में छूट नहीं मिलेगी। समझ गए बात को? ओवरऑल यही बात ये RTI कहना चाहती है। आप कमांडो अकेडमी टेलीग्राम से जुड़ जाइए, हम 5 तारीख की डेट फिक्स करेंगे, उस दिन हम मैक्सिमम ट्वीट करते हैं और एक बार सरकार की नजर में जरूर डालते हैं कि हमको एज में कम से कम 1 साल या 2 साल की एक बार और छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार 3 साल की मिली, तो इस बार कम से कम एक मौका और मिलना चाहिए लाडू। और उसके लिए हम ट्विटर कैंपेन ही कर सकते हैं, इसके अलावा हम आंदोलन तो कर नहीं सकते, तो उसके लिए अगर आप सब साथ ही साथ हो तो मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूं लाडू। ठीक है, ये है RTI का रिप्लाई, आप देख लेना, कमांडो अकेडमी टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैं ये डाल रहा हूं, आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, जय हिंद जय भारत।